हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सूजी का एक यूनिक नाश्ता, तो आइए हम इसे बनाते हैं। इस यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, जो हमारे पास डेढ़ बाउल है। हम डेढ़ बाउल सूजी डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, जो कि हमारे पास एक बाउल है। ये दही आप खट्टी यूज़ करें, कम खट्टा हो तो आप इसमें नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें आधा बाउल पानी ऐड करेंगे। इसको डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बैटर थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें आधे बाउल पानी और ऐड करेंगे। इसे डाल के हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इसमें एक भी लम्स ना रहे। और ये जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढक के आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं। आधे घंटे बाद आइए हम इसे अब चेक करते हैं। ये देखिए, सूजी फूल के थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें हाफ ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये प्रॉपरली जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें सब्जियाँ डालेंगे। और ये देखिए, ये है वन बाउल प्याज, जो कि हमने बारीक चॉप्ड करके लिया है। वन बाउल आलू, जो कि मैंने ग्रेट करके लिया है। आप इसे मोटा या पतला, आप जिस शेप में चाहे उस शेप में ग्रेट कर सकते हैं। मैंने इसे मोटा ही ग्रेट किया है। और ये है एक टमाटर, जिसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। एक कैप्सिकम को भी मैंने छोटा छोटा चॉप करके लिया है। अपने मनपसंद की सब्जी आप ऐड करें। उसके बाद इसमें डालना है हाफ टी स्पून काले मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टी स्पून चिली फ्लेक्स। आप इसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अगर ये पतली हो या गाढ़ी तो आप पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ी और सूजी मिला लें। मैंने एक तवे को गैस पे रख दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। ऑयल आप चारों तरफ अच्छे से ग्रीस कर लें। आप नॉनस्टिक तवे या आयरन के तवे किसी भी से बना सकते हैं। अब मैं इस छोटे स्पून के मदद से अपने बैटर को इस तवे पे डालूंगी। आप छोटा छोटा बना सकते हैं या फिर आप अपने इच्छा अनुसार इसे बड़ा ही बना सकते हैं। मैं एक ही तवे में इस तरीके से छुरोशा करके ढेर सारे डालूंगी। सारे बैटर फैलाने के बाद हम इसे लीड लगा देंगे। लीड लगा के हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। आप ध्यान रखें कि इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बनाइए। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे खोल के देखती हूँ। ये देखिए, ऊपर से बढ़िया सेट हो चुका है। तो हम इसे पलट लेंगे। ऐसे ही आप धीरे धीरे करके अपने सारे इस नाश्ते को पलट लेंगे। फिर हम साइड में इसमें हल्का हल्का ऑयल डालेंगे, जिसकी वजह से ये नीचे से जले नहीं। फिर हम इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे पलट कर चेक करेंगे। ये देखिए, ये मैंने पलट कर देख लिया है, ये दोनों साइड से सिक चुका है। और जब ये ऐसे स्टेज पे आ जाए तो समझ जाइए ये पक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरीके से आप और सारा बना के तैयार कर लीजिए। मैंने और भी बना लिए हैं। और इसे कर्ड चटनी के साथ सर्व करें। कर्ड चटनी की रेसिपी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके देख लें।
इसी तरीके की और यूनिक रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।